और वो चिंता में पड़ जाते हैं और दुखी होकर संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। तो मेहमानों, वही इस बात का पता संयोगिता को लग जाता है और वो भी चिंता करने लग जाती है। तो सजनों, खाना पीना नहाना धोना सब छोड़ देती है और अपने आप को एक अपने कमरे में कैद कर लेती है। तो एक दिन की बात है, वो संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पास के बगीचे में टहलने के लिए जाती है। तो देखिए वहाँ का कैसा दृश्य दिखता है सांप के माध्यम से। हेलो, क्या बात राजकुमारी जी, आज आप क्यों खुश होने लगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, आजकल राजकुमारी जी आप खुश भी नहीं रहते, आप जोर से भी दिखने लगे हो। आप तो नंदी तो नंदी भी कौन यार? राजकुमारी राजकुमारी आपको तो पसीना भी आ रहा है, आपके तो हाथ पसीने पड़ रहे हैं। अजमेर
के लिए निकल जाती है और चलती चलती 10-15 दिनों में अजमेर पहुंच जाती है और वहां उसकी मुलाकात राजा पृथ्वीराज चौहान से होती है। तो देखिए दोनों के बीच क्या बातें होती हैं। महाराज की जय हो। महाराज प्रणाम। प्रणाम। अरे आप कौन? महाराज मैं कन्नौज से आई हूँ। कन्नौज से? महाराज मैं राजकुमारी से योगिता की दासी हूँ। अच्छा तो कहिए क्या कहना है। महाराज राजकुमारी से योगिता ने आपके नाम चिट्ठी भेजी है। ऐसा क्या इस चिट्ठी में? महाराज मुँह तो मैंने बोला, मेरा इस चिट्ठी में केस है, आप जानो और वह सहयोगिता जाने। चलो महाराज। अच्छा ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ लिया मैंने। ठीक है महाराज, चल लूं फिर मैं। अरे नहीं नहीं, सहयोगिता के लिए मेरा संदेश भी लेके जाना। ए महाराज लिखे रजपूती और छतरापण की के सुनी उसने रणभेरी को ना और जाकर कह दिया उससे योगिता ने कि ई ब्याह चिंता तेरी। ठीक है महाराज, चल लूं फिर मैं। तो मेहरबानो अब वो सहयोगिता की बांधी पृथ्वीराज को वो चिट्ठी देकर चली जाती है और राजा पृथ्वीराज भी उस चिट्ठी को पढ़कर जल्द से जल्द अपने कुछ सैनिकों को और अपने मित्र चंद्र भरदाई को लेकर कन्नौज पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर सहयोगिता के स्वयंवर की तैयारियां जोर और शोर से चल रही होती है और सहयोगिता की सहेलियां महल में नाचती हैं, गाती हैं, जश्न मनाती हैं और देखिए कैसा ऋषि का माहौल छाया हुआ है। भिलड़ते गल्ला बढ़ती, भिलड़ते
What?
शर्म तेरे
रही किसे की कोना, कप की धरती बदल गया माहौल बोर हो गया।
Yeah.